नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। चलिए आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की सूची में एशिया महाद्वीप के किन दो देशों को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन देख लेते हैं, भारत सिंगापुर, चीन और सिंगापुर, जापान और सिंगापुर, चीन और जापान। तो इसका सही आंसर है आपका जापान और सिंगापुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान मिला है? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कि जयपुर या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है आपका जयपुर रेलवे स्टेशन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए भारत सहित कितने देशों ने मिलकर हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 10, 15 या 20। तो इसका सही आंसर है आपका 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पेन और किस देश सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, यूनाइटेड किंगडम, पेरू या कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है आपका पेरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी एलिसा हिली ने T20 के एक मैच में कितने रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन देख लेते हैं, 120 से 148, 152 या 184। तो इसका सही आंसर है आपका 148। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धावक अविनाश सावले दोहा के विश्व एथलीट चैंपियनशिप के कितने मीटर स्टीपलेच स्पर्धा के फाइनल पहुंच गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 500 मीटर, 1000, 2000 या 3000। तो इसका सही आंसर है आपका 3000 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी ने हाल ही में ही मैरिलन बोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष का पद कार्यभार संभाला है? ऑप्शन देख लेते हैं, तिलकरत्ने दिलशान, एंजेले मैथ्यूज, कुमार संगकारा या कि महिला जयवर्धनी। तो इसका सही आंसर है आपका कुमार संगकारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रधानमंत्री 4 दिवसीय यात्रा भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगी? ऑप्शन देख लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो या कि अलीना गोमेज। तो इसका सही आंसर है आपका शेख हसीना। हमारा 8th क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने वर्ष पुराने मामले में ब्रिटेन की कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है? ऑप्शन देख लेते हैं, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष या 90 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका 70 वर्ष। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह से रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मुलाकात की है? ऑप्शन देख लेते हैं, जापान, इराक, मालदीव या युगा। तो इसका सही आंसर है आपका मालदीव।